कुमार को ऊंची कूद के लिए किया जा रहा है सम्मानित। एशियन गेम्स में कुल 39 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत व 9 कांस्य। पैरा एशियन गेम्स में कुल 28 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत व 4 कांस्य। तथा नेशनल गेम्स में कुल 427 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य पदक विजेताओं को कुल 61.89 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही खेल प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए किया जा रहा है सम्मानित। 4 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 2 रजत पदक विजेता खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण अधिकारी और 2 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की परिवहन विभाग में यात्री कर माल कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जा रही है। मेरे मन में बस ये था, हमारी क्या पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है। मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों से युवा शक्ति खेल जगत में नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। युवा शक्ति, देश की तरक्की। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया प्रशिक्षकों का सम्मान करने के लिए तथा राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने हेतु माननीय मंत्री महोदयाएं, साथ में माननीय गिरीश चंद्र यादव जी और प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी भी मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। और सबसे पहले इस क्रम में उन प्रशिक्षकों का सम्मान जिन्होंने खिलाड़ियों को पदक दिलाने के योग्य बनाया। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं 4th पैरा एशियन गेम्स 2022 हांगझाऊ जो चाइना में संपन्न हुआ था, उसके प्रशिक्षक श्री गौरव खन्ना को। कृपया मंच पर आएं। पैरा बैडमिंटन प्रशिक्षक, लखनऊ के प्रशिक्षक श्री गौरव खन्ना जी कृपया मंच पर पधारें। इन्हें 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इनको दी जा रही है, सम्मान राशि दी जा रही है। श्री गौरव खन्ना जी पैरा बैडमिंटन के प्रशिक्षक हैं, मूल रूप से लखनऊ के निवासी हैं और आपके द्वारा प्रशिक्षित श्री सुहास LY पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी लखनऊ ने 4th पैरा एशियन गेम्स 2022 चीन में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम से प्रतिभाग करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो आपको 1.5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। इसके पश्चात डॉक्टर सत्यपाल सिंह कृपया मंच पर आ जाएं। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक श्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह कृपया मंच पर आए। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक गाजियाबाद के हैं और आपको भी 1.5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। श्री गजेंद्र सिंह जी कृपया आ जाएं। पैरा एथलेटिक्स ट्रेनर प्रशिक्षक गाजियाबाद के श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र पाल सिंह जी कृपया आप सभी पधारें। श्री गजेंद्र सिंह जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि, श्री जितेंद्र पाल सिंह जी को 2 पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए की। और श्री संजीव कुमार कबड्डी प्रशिक्षक, श्री संजीव कुमार, श्री राजेश कुमार रोइंग प्रशिक्षक, श्री BA शर्मा सेपक टाकरा प्रशिक्षक कृपया क्रमशः आप तीनों मंच पर आएं। संजीव कुमार जी को 1.5 लाख रुपए की राशि, श्री राजेश कुमार जी जो रोइंग प्रशिक्षक हैं, श्री राजेश कुमार जी संत कबीर नगर के रोइंग प्रशिक्षक को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, श्री BA शर्मा सेपक टाकरा प्रशिक्षक बरेली के को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि देते हुए समय माननीय मंत्री महोदय। और अब 37वें आप आ जाएं, श्री BA शर्मा जी। और अब 37वें नेशनल गेम्स गोवा में जो संपन्न हुए, उसके श्री संतोष कुमार मिश्र, सुशील छवि, श्री सिद्धार्थ वर्मा, श्री सिद्धार्थ विश्वकर्मा आप सब क्रमबद्ध होकर आ जाएं। सुश्री पूर्णिमा पांडे, श्री पारस गुप्ता, श्री सौरभ, सुश्री तान्या चौधरी, श्रीमती सीमा पुनिया 37वें नेशनल गेम्स गोवा में उत्तर प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी समय मंच पर आ रहे हैं। श्री संतोष कुमार मिश्र को 6 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इसके पश्चात सुशी छवि, मेरठ की सुशी छवि वुशु की हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, कृपया आ जाएं। सुशी छवि, श्री सिद्धार्थ वर्मा प्रयागराज के, इनको भी 6 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इस समय छवि जी प्राप्त कर रही हैं पुरस्कार राशि। श्री सिद्धार्थ वर्मा कृपया आप आ जाएं। उसके बाद भी नाम सिद्धार्थ ही है, सिद्धार्थ विश्वकर्मा काशी के
सिद्धार्थ विश्वकर्मा इसके पश्चात आएंगे। सिद्धार्थ वर्मा के लिए तालियां हो जाएं। सिद्धार्थ विश्वकर्मा कृपया आप पधारें। उसके पश्चात सुश्री पूर्णिमा पांडे। बहुत हल्की तालियां हैं खिलाड़ियों की, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। खिलाड़ियों के लिए तालियां जोरदार बजाएं। सिद्धार्थ विश्वकर्मा और अब पूर्णिमा पांडे। वाराणसी की पूर्णिमा पांडे, भारोत्तोलन में इस बेटी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पारस गुप्ता आगरा के इसके बाद आएंगे, जो स्नूकर में जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 6 लाख रुपए की सम्मान राशि पारस गुप्ता के लिए। श्री सौरभ इसके पश्चात आएंगे, जो मेरठ के हैं। कुश्ती में इन्होंने 6 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।